म्यौरपुर थाना क्षेत्र के मुर्धवा बीजपुर मार्ग पर शुक्रवार साय कटबनवा मोड़ के पास टीपर बोलेरो में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो में बैठे रिया पुत्र देवेंद्र, आदित्य पुत्र देवेंद्र, अंश पुत्र देवेंद्र, प्रीति पत्नी देवेंद्र, देवेंद्र पुत्र रामकेश, रमेश पुत्र रमाकांत जोरदार टक्कर के बाद बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें एक लोग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान CHC म्यौरपुर में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवेंद्र जो बैढ़न के पास किसी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जो अपनी पत्नी सहित दो बेटे एक बेटी के साथ हनुमंता नगर उठारी झारखंड में किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शरीक होने जा रहे थे कि म्यौरपुर थाना क्षेत्र के कटबनवा मोड़ के पास म्यौरपुर की ओर से जा रही टीपर की चपेट में आ गए, जिससे बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। राहगीरों ने तुरंत घटना की सूचना म्यौरपुर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने तत्काल घायलों को CHC म्यौरपुर भर्ती कराया, जहाँ उपचार के दौरान बोलेरो ड्राइवर रामकेश की भी मौत हो गई। घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर DK चतुर्वेदी ने बताया कि एक लोग मृत अवस्था में लाया गया था, ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई तथा चार घायल में से तीन की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी श्री सिंह ने बताया कि दोनों शव को कब्जे में ले लिया गया है तथा दुर्घटना का कारण बनी टीपर को भी कब्जे में ले लिया गया। ड्राइवर मौके से फरार है। मृतकों के घर वालों को सूचना दे दी गई है। आज शाम 5:45 बजे म्यौरपुर थाना क्षेत्र में एक बोलेरो और एक हाइवा ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल पुलिस के सहयोग से वहां पे CHC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसमें बोलेरो का चालक और जो परिवार जा रहा था उसका मुखिया, दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और उसके परिवार के चार लोग और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। सर, टीपर और बोलेरो में दुर्घटना हो गया था जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में आए थे, क्या मामला है सर? ये एक्सीडेंट हुआ है, इसमें दो लोगों की तो मौके पर मौत हो गई, जिसमें 45 वर्षीय देवेंद्र और 30 वर्षीय रमेश यादव, बाकी चार लोगों में तीन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और चौथे लोग को भी फ्रैक्चर हुआ है, तो इन चारों को आगे जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है प्रारंभिक उपचार के बाद। प्रथम उपचार यहाँ हो गया है ना? हाँ जी।